डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सिक्स, एक्सरसाइज 38। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने एक्सरसाइज हो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड, दिया हुआ है फ्रैक्शन डिवाइड, तो उसका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, इतना दिया हुआ है, दो नंबर को प्रोडक्ट किया गया है और उसका वैल्यू इतना आया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। तो यहाँ पे इसको समझना है, ये वन नंबर हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है वन एंड वन बाई सिक्स, और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब वही मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। और दूसरा नंबर जो है वो मेरे पास नहीं है, और ये हो गया। तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया टू एंड फोर बाय फाइव, ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या ऐसा नंबर होगा, तब इसको समझने के लिए क्या करना है, एक इजी नंबर रखना है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम एक इजी नंबर रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं फाइव, रखते हैं फाइव, और यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ब्लैंक खाली रखते हैं, इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं फिफ्टीन रख देते हैं। यहाँ पे फिफ्टीन हो गया। तो फाइव को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाएगा। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये 3 जो मेरे पास नहीं है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 15 जो है 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। इस 15 को अगर यहाँ पे 15 है मेरे पास और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये मिल जाएगा 3, मतलब यहाँ इसका आंसर निकल गया। तो हम इससे इसको डिवाइड किए, तो उसी तरह से यहाँ पे हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, क्या नंबर रहेगा वो मिल जाएगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ये जो है इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 14 बाय फाइव हो जाएगा, 14 बाय फाइव, और डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, इससे डिवाइड हो जाएगा, 6 वन जाए 6 और 1 7 बाय 6, 7 बाय 6। तो इससे पहले जो बनाए थे डिवाइड जो था इसी तरह का था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए थे, 14 बाय 5 जो है फर्स्ट वाला नंबर जैसे कि तैसे रख दिए थे, और सेकेंड वाला नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई किए थे, और यहाँ पे जो है 7 बाय 6 को 6 बाय 7 उल्टा करके लिख दिए थे। ये अब जो करता है उसको काट देते हैं, 7 टू जा 14 हो गया, और यहाँ पे कटने वाला नहीं है, 6 टू जा 12, 12 बाय 5। तो यहाँ पे नीचे में छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो इसका मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन ये होगा, 5 टू जा 10 हो गया, तो 10 इसमें से निकल गया, तो 2 बचा, तो 2 पर चला जाएगा और नीचे में 5 आ जाएगा, मतलब 2 एंड 2 बाई 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, इफ़ वन ऑफ द प्रोडक्ट नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। मतलब ये जो नंबर, ये क्वेश्चन जैसा है उसी प्रकार ये भी सेम है, दो नंबर इसमें भी है, इस तरह का दो नंबर है, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 3 एंड 2 बाई 3, ये हो गया। एक नंबर हमको गिवेन है, पहले से दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो मालूम नहीं है, और इसका आंसर क्या आया हुआ है, 6 एंड 1 बाय 9, ये हो गया। तो ये नंबर पता नहीं है, इसमें हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे, पहले इसको रखे थे फिर इससे डिवाइड किए थे, तो इसको सीधा कर लेते हैं, 9 6 जा 54 हो गया, और 1 55 हो गया, 55 बाय 9, ये हो गया, और इसको इससे डिवाइड किए, डिवाइड 3 3 जा 9 हो गया, 9 टू 11, 11 बाय 3। अब इसको इसको सेम रखना है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, जैसे कि ये 55 बाई 9 जो है वो एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको प्लट देना 3 बाय 11। अब जो है ये कट रहा है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, और 11 5 जा 55 कट गया, अब कटने वाला नहीं, 5 बाय 3 ये बच गया, 5 बाय 3। तो ये नीचे में छोटा है, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 1 बार में जाएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 निकल गया तो 2 बच गया, तो ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे में 3 का 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन इज़ द ओनर ऑफ 4 बाई 5 ऑफ ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा का एक आदमी मालिक है, ही डिवाइड्स इट इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रेन, फाइंड द शेयर ऑफ इच चाइल्ड। और जितना भी प्रॉपर्टी का मालिक है, जितना मतलब उसके पास प्रॉपर्टी है, उसको अपने 3 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है टोटल प्रॉपर्टी उसका यही है,
अब जितना पार्ट भी है उसका टोटल प्रॉपर्टी यही है और इसी को थ्री जगह जो है डिवाइड करना है, मतलब तीन बच्चों में डिवाइड करना है, तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे थ्री से, तो इसका आंसर आ जाएगा। थ्री नंबर में यहाँ पे लेते हैं थ्री नंबर, तो उसका टोटल प्रॉपर्टी कितना हो गया, टोटल प्रॉपर्टी उसका हो गया 4/5, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग थ्री चिल्ड्रेन। तो तीन बच्चों में उसको डिवाइड करना है, तो इसको जो है हमको 4/5 को तीन से डिवाइड कर देना होगा, डिवाइड कर दिए बाय थ्री। तो इसको डिवाइड करने में क्या रहता है, ये तो सेम रहता है लेकिन ये जो है पलट जाता है, थ्री का 1/3 हो जाएगा, 1/3, तो ये तो कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4/15, 5 3 15, तो नीचे में बड़ा है इसका मतलब ये रहेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, एक बच्चे को इतना प्रॉपर्टी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया हुआ है 50 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, इतना लीटर दूध है और एक स्कूल के सारे बच्चों को उसको बांटना है, इफ़ इच स्टूडेंट गॉट 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, अगर प्रत्येक बच्चे को इतना दूध मिलता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, तो मिल्क क्वांटिटी कितना हो गया, मिल्क क्वांटिटी हो गया 50 लीटर, और प्रत्येक बच्चा कितना पाता है, इच स्टूडेंट्स गॉट, प्रत्येक बच्चा कितना पाता है, 1/4 लीटर इतना पाता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करेंगे, 50 / 1/4, तो 50 तो वैसे ही रहेगा, 50 जो है 50 को हम 50/1 लिख सकते हैं सुविधा के लिए, और इसको मल्टीप्लाई देंगे और 1/4 को 4/1, नीचे में 1 अगर आ गया तो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटने वाला कहीं है नहीं, तो 54 जा कितना हो गया 200, तो स्टूडेंट्स नंबर बच्चों की संख्या इतना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी हाफ लीटर बॉटल्स ऑफ मिल्क कैन बी फिल्ड फ्रॉम ए कैन कंटेनिंग 85 and 1/2 liters ऑफ मिल्क, एक कैन में इतना सारा दूध है, अब जो है आधा लीटर का कई सारा बोतल को भरना है, तो कितना बोतल जो है इस दूध से भर जाएगा, तो इसका मतलब क्या करना है, आधा लीटर मतलब 1/2 को इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आधा लीटर का बोतल उससे भर जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, और यहाँ पे कैन कैपेसिटी जो है, मतलब कैन में कितना दूध है, कैन कॉन्टेंस मिल्क, तो कितना मिल्क लिया हुआ है, 85 and 1/2 liters, ठीक है। अब जो है हाफ लीटर मतलब कितना हो गया, हाफ लीटर इक्वल टू 1/2, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो नंबर ऑफ हाफ लीटर बोतल जो है कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लीटर बोतल्स कितना हो जाएगा, इसके लिए हमको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको सीधा कर लेते हैं तो 85 into 2 or 1, तो ये हो गया आपको मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 171/2, नीचे में 2 हो गया, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, तो डिवाइड करना है 1/2, ये हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे कि तैसे रख देते हैं 171/2, और
इसको मल्टीप्लाई में और यहाँ पे 2 बाई 1, तो ये तो 2 2 कट गया, तो बचा क्या, ओनली 171। तो इसका मतलब क्या है, 171 बोटल्स, इतना बोटल जो हाफ लीटर का बोटल इतना भर जाएगा उससे। तो यही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं।